Hey guys, good morning. Welcome back to my new vlog. कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. तो सुबह के बज गए हैं 5:30 और मैं उठ गई हूँ. अभी अभी उठी हूँ जस्ट, तो उठ के यहाँ बैठ गई अपने लैपटॉप के पास क्योंकि मुझे क्लास लगानी है. तो अभी मैंने गर्म पानी नहीं पिया, कुछ भी नहीं किया. मैं पीऊँगी गर्म वाटर एक गिलास और उसके बाद पीऊँगी लेमन एंड हनी वाटर. तब आज हमारा 10th day है. आज का दिन कंप्लीट करने के बाद कल जो है हम अपना वेट चेक करेंगे कि हमको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं या क्या हमारा कैसा हमारा डाइट चल रहा है, हम पे कोई इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, और कर रहा है तो कितना इफेक्ट कर रहा है. वो सब चीज़ें हम कल देखेंगे जब हमारा आज का दिन भी डाइट का जो है कंप्लीट हो जाएगा. तो ओके गाइस, आज को ब्लॉग को करते हैं इसी के साथ शुरू. और सबसे पहले पीती हूँ मैं वार्म वाटर, उसके बाद एक गिलास वार्म वाटर विद लेमन. तो तब जो है हमारा दिन जो है वो शुरू होगा. फिर उसके बाद करूँगी एक्सरसाइज. देन जैसे हे गाइस, तो सुबह के बज चुके हैं 9:30 और हमारे बच्चे आज भी स्कूल नहीं गए हैं क्योंकि डूब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो, क्योंकि धुंध इतनी ज़्यादा, पीछे देखो खांस रही है वो लड़की, धुंध इतनी ज़्यादा हो रही है कि बच्चों को स्कूल भेज पा नहीं. मेरा खुद का मन ही नहीं किया भेजने का क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडी थी और आगे बच्चे बीमार हो रहे हैं. तो यहाँ बैठे हैं कबू जी और मैं नहा के, क्योंकि नहा के हम तो एकदम घुस गए बिस्तर में क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है यार. और मुझे बाहर निकाल दिया सीरियसली, इतनी क्या ज़्यादा ठंड लग रही है यार, हद ही ठंड है. चलो क्या कर सकते हैं, ठंड का मौसम है तो ठंड तो होगी. तो गाइस यहाँ ले रही मैं अपना मज़ेदार सा फर्स्ट मील. आज है हमारा 10th day, हमारा जो 10 दिन का जो मतलब हमारी वेट लॉस जर्नी है, आज हमारा 10th day है. और 10th day आज हम बहुत अच्छी वाली मील लेने वाले हैं ताकि कल के जो हमारे रिजल्ट हो ना इतने अमेजिंग हो कि बस मज़ा ही आ जाए देख के. तो गाइस अभी मैं ले रही हूँ अपना फर्स्ट मील में अगेन जूस. वैसे ना मुझे लग रहा है कि जूस से ना ठंड तो नहीं हो जाएगी, बट मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है कि मुझे ठंड हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है. जिन लोगों को मतलब कुछ प्रॉब्लम है, ज़्यादा ठंड लग जाती है, क्योंकि ठंडा तो है ये ऑब्वियसली है, इसमें ओरेंजेस पड़े हैं, गाजर पड़े हैं, फ्रूट्स पड़े हैं. तो जिन लोग वो लोग नॉर्मल फ्रूट भी ले सकते हैं, पपाया वगैरह, अमरूद वगैरह. बट मुझे ये जब जिस दिन से मैं पी रही हूँ ना, मैंने बताया था कि मुझे फुल डे एनर्जेटिक रहता है, कि मेरा पेट भी फुल रहता है और थोड़ा मतलब एनर्जी जैसी फील होती है. तो गाइस अभी फटाफट से इतना बड़ा ग्लास में जूस का ख़त्म करूँगी. हम मैंने ये जल्दी अभी फ्रेश बनाया, देखो झाग भी दिख रही होगी, मेरे घर के पास में ही है जूस वाला. मतलब आप सोचो कि मेरे फ्लैट के बिल्कुल सामने है उसकी दुकान, तो हम कॉल करते हैं हम उसको और वो छोड़ देता है जूस घर में डेली. तो इसलिए होता है अगर दूर जाना होता तो शायद मैं भी अवॉइड कर देती कि हाँ कौन जाए डेली जूस लेने के लिए इतनी ठंड में. बट बिल्कुल मुँह के सामने है तो फिर मैं सोची बिल्कुल सामने है और वैसे भी डाइट हमारा चल ही रहा है, डाइट प्लान अच्छे से, तो क्यों ना डेली फ्रेश जूस पिया जाए. पीने को ट्रॉपिकाना ये वो भी पी सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि उसमें ना वो लोग शुगर ऐड करते हैं क्योंकि वो बहुत मीठा होता है. क्योंकि ये जो हमारा नेचुरल जूस है ये उतना मीठा नहीं है, इसका अलग ही टेस्ट है, फ्रूट का टेस्ट आता है. बट अगर हम ट्रॉपिकाना या कुछ भी अगर मिक्स भी लेते हैं या पॉमीग्रेनेट भी लेते हैं, गुआवा भी लेते हैं, उसमें भी हल्का सा मीठा होता है. तो मुझे लगता है वो चीज़ उससे अच्छा तो आप नॉर्मल फ्रूट्स खा लो, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, उल्टा ख़राब ही करेगा वो. तो गाइस अभी मैं फटाफट से करती हूँ अपना फिनिश और उसके बाद बनाते हैं लंच. और बच्चे हैं आज घर में, फिर देखती हूँ क्या क्या करेंगे. और आज मैंने सोचा कि आज हम क्या करेंगे फुल डे, मैं बता ही देती हूँ आपका. मुझे मेरा वेट मतलब कि 4-4 kg कम होने में सिर्फ और सिर्फ 45 grams का फ़र्क आ रहा है, 45 grams का कम आ रहा है. तो अगर मैं ये अपना आज का कंप्लीट मील मतलब अच्छे से करती हूँ तो मैं होप मतलब मेरा जो 4 kg का टारगेट है 10 day में वो कंप्लीट हो जाएगा. तो आज से मैं मतलब आज का दिन जो है मैं फुल जो है खाना जो है बिल्कुल अवॉइड करूँगी, बस ऐसी ही चीज़ें लूँगी जिससे मेरा पेट जो बिल्कुल लाइट रहे और वेट बिल्कुल कम हो जाए. और मतलब जो हार्ड वर्क रहेगा आज हमारा, मैं वर्कआउट भी बहुत हार्ड करने वाली हूँ ताकि कल तक मेरा अचीवमेंट था कि 10 दिन में मैंने 4 kg कम करना है एक्चुअली. तो मेरा हो गया ऑलमोस्ट, बस 45 grams का फ़र्क रहता है, बस वो मैं आज की डाइट में जैसे कैसे मेंटेन करके ना कल आपको मज़ेदार सा रिजल्ट दूंगी. तो ओके गाइस अभी पीते हैं फटाफट से जूस, इससे पहले कि इसकी झाग बैठ जाए. क्या हो रहा है? लेने पैसे? नहीं मुझे नहीं चाहिए बेटा पैसे, कबू मुझे पैसे दे रहे हैं. ओके गाइस तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में. थैंक यू गाइस. तो दोपहर के बज गए हैं 1:30 और हमारे लंच का टाइम हो गया. और आज भी हम लोग बिल्कुल टाइम पर लंच कर रहे हैं. तो मेरे लंच में आज गोभी की सब्जी है, एक चपाती है और साथ में मैंने एक खीरा काटा है. तो आज का लंच जो है हमारा यही रहेगा. पहले मैंने सोचा रोटी अवॉइड करती हूँ आज, फिर मुझे लगा एक रोटी एक दिन में खाने से कोई फ़र्क नहीं है. तो हम लोगों ने रोटी और गोभी की सब्जी और एक खीरा अभी का जो हमारा लंच रहेगा. तो अभी करते हैं अपना लंच फिनिश. और हे गाइस तो दोपहर के बज गए हैं 4:30 और मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि अभी मेरे डुग्गू ने बोला है, मैंने इसको बोला बेटा मुझे ना ब्लैक टी मैंने बना दी है तो आप प्लीज़ मुझे चने ला के दे दो सिर्फ. तो मैं फटाफट आके किचन से जो बेड पे बैठ गई बिस्तर में, तो डुगू बोल रही है मम्मा आप ना हमेशा सारे टेक ना कंबल में लेते हो.
तो मुझे हंसी आ रही है, बोली बेटा ठंड के दिन है तो आदमी कंबल में ही दिखेगा ऑब्वियसली, कहीं बाहर तो घूमता दिखेगा नहीं, या गैलरी में बैठे हैं या छत पे चढ़े हैं, इतनी ठंड में कौन ही चढ़ेगा ना। तो इसीलिए मुझे हंसी आ रही है कि डब्बू बोले नोटिस कर रहे, शायद आप लोग भी नोटिस कर रहे होंगे कि मैं हमेशा कंबल, देखो 2 मिनट का मेरे मेरा हैबिट है कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है सीरियसली, तो मैं जब भी मेरा काम खत्म होता है मैं 5 मिनट के लिए गई अंदर अपने लिए ब्लैक टी बनाई और दौड़ के लेके आ गई। और वैसे मैं डब्बू बोला मेरे लिए चने लिया क्योंकि मुझे ब्लैक चने खाने आज, तो वही डब्बू बोले मम्मा हमेशा कंबल में ही दिखते हो, यार इट्स ओके बेटा लोग समझ सकते हैं कि ठंड के टाइम और क्या ही कर सकते हैं, मैं बैठी हूँ ना यहाँ पे तो कभी भी बैठा रहता है, अगर मैं उठ जाऊंगी तो ये भी सारे में घूमना शुरू कर देते। और बच्चों को आपको पता है कितने सारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, फीवर हो रहा है बच्चों को, स्कूल में बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, तो उससे अच्छा हम मैं भी बैठी रहूँ तो ये भी मेरे साथ बैठा रहेगा, अभी पीछे कर रही है वो ऑलरेडी बीमार हो बैठी है। हाँ तो ओके गाइस, आज का जो हमारा इवनिंग स्नैक है वो है ब्लैक चना, देन साथ में हम लोग ले रहे हैं ब्लैक टी, और इसके बाद हम करेंगे बहुत ही अमेजिंग सा वर्कआउट, क्योंकि सुबह का आज वर्कआउट मेरा बहुत ही लाइट था, बहुत कम मैंने किया था, बट आज मैं जो मिक्स करूंगी मैं एक्सरसाइज भी करूंगी देन थाई वर्कआउट भी करूंगी। तो फटाफट से अपना इवनिंग स्नैक खत्म करते हैं और 5 बजे 4:40 हो गए हैं, 5 बजे अपना वर्कआउट स्टार्ट करूंगी, 5 से 6 बजे तक भी मैं कंटिन्यू अपना वर्कआउट करूंगी, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपको वर्कआउट के बाद। हे गाइस, तो रात के बज गए हैं 8:30 और मेरा आज का डिनर है ओनली 2 बॉइल्ड एग, मैं सिर्फ यही खा रही हूँ आज डिनर में, कुछ भी नहीं खा रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मैंने कोकोनट वाटर वहीं पे पी के आ गई थी वो मैं देख लेना ही भूल गई, क्योंकि मुझे लगा घर में हम रोज ले आते हैं फिर डस्टबिन बहुत ज़्यादा कूड़ा हो जाता है देने के लिए, तो मैं वहीं पर ही पी के आ गई, तो मैंने वो टेक नहीं लिया, उससे मेरा पेट काफ़ी ज़्यादा फुल हो गया था, तो अभी मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, पर फिर भी हमको कुछ ना कुछ खा के सोना है, भूखे नहीं सोना है, तो अभी मैं ले रही हूँ सिर्फ 2 बॉइल्ड एग, कोई साग नहीं डाला है, कुछ भी नहीं डाला है इसके साथ, इसको खाने के 10-15 मिनट के बाद 2 गिलास गर्म पानी पीऊंगी और सो जाऊंगी। तो ओके गाइस, आज हमारा 10th day challenge भी खत्म होता है और कल हम देखेंगे अपने अमेजिंग रिजल्ट्स। तो इस ब्लॉग को करते हैं इसी के साथ एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय बाय, गुड नाइट।